शिक्षा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे हासिल करने के बाद किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वही शिक्षा जब आपके पास नहीं होती तब एहसास होता है कि काश हम भी स्कूल गए होते। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आज के दौर में हर कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है। कारण है आर्थिक स्थिति। इसी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने स्कूल बनवाए हैं ताकि कोई भी शिक्षा से महरूम ना हो, परंतु ये जग जाहिर है कि हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। लेकिन आज हम आपको अररिया जिले के भोजपुर पंचायत के प्लस टू विद्या निकेतन उच्च विद्यालय के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आपको देखने के बाद शायद ये लगे कि ये सरकारी है या फिर प्राइवेट। यहाँ के ग्रामीण इस विद्यालय से बेहद खुश हैं एवं यहाँ के शिक्षक कर्मठ और लगनशील हैं। यहाँ की साफ सफाई किसी भी कन्वेंट से कम नहीं। हर वर्ष यहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें इलाके के जाने माने हस्ती एवं प्रशासन के साथ साथ मीडिया कर्मी भी उपस्थित होते हैं। खासकर इस स्कूल को खूबसूरत बनाने में यहाँ के ग्रामीण एवं शिक्षक का बड़ा योगदान है। और हम बात करें शिक्षक की तो सबसे पहला नाम आएगा अदिल यजदा का, जो सभी कार्यक्रम को बखूबी सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। बिटनोस बिहार के लिए अररिया से मुजम्मल यजदा की रिपोर्ट। मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिल।
पंछी सुरमे गाते हैं, भवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ओ ऐसे मुस्कुराती है यूपी सबुन।